फिर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे एम का ठीक है तो अगर मैं इस बड़े वाले एम पे बात करू इस बड़े वाले एम पे तो इस बड़े वाले एम पे एक आपका इधर में फोर्स लग रहा है एफ ठीक है राइट में आपका क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है अच्छा अगर आप यहाँ पे देखो तो इस पे क्या लगेगा नीचे लगेगा आपका एम टू जी लगेगा ठीक है यहाँ पे इस वाले कंडीशन में या फिर आ, आ, यहाँ पे आपका एम टू जी लगा और ऊपर में आपका क्या लगेगा यहाँ पे नॉर्मल लगेगा इसको नॉर्मल क्या देता हूँ मैं एम टू क्या देता हूँ ठीक है

यहां भी टेंशन ठीक होगा, है। अब अगर अगर इस इस पे मैं बात तो कौन कौन क्या, क्या फोर्स लग रहा है तो एक टेंशन लग रहा है और, तो एक लिफ्ट में लिफ्ट में और एक नॉर्मल एम में, लिफ्ट में कौन -कौन तो एक लग रहा है ठीक uh है और अगर इस एम इस पे इस वाले एम पे बात करो इस वाले एम पे अगर नॉर्मल ऊपर लग रहा है तो

तो देखो नीचे जो फोर्स है आपका वो एन है सॉरी नीचे आपका कैपिटल एम है और एम टू है ठीक है और और अगर आप देखो इस वाले कंडीशन में इस वाले ब्लॉक पे तो ऊपर फोर्स भी, भी लग रहा है इस इस पे ना इस वाले पे क्या कर रहा है रहा है है कि फोर्स भी लग क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान दो तो अगर ये यह टी यहाँ पे है तो यहां भी तो टी एक्ट हो रहा होगा इस वाले कंडीशन में ठीक है तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा कि टी इस पे नीचे की ओर भी लग रहा है ऐसे ठीक है ये वाला टी ये वाला T क्योंकि ये पुलिस से कनेक्टेड है तो ये T आपका नीचे की ओर लगा रहा होगा ठीक है अब अगर मैं फाइनली अगर यहाँ पे बैलेंस करूँ तो मैं बोलूंगा M2g mg और T एक डायरेक्शन में है ठीक है और नॉर्मल आपका ऊपर है ठीक है तो मैं बोलूँगा नॉर्मल जो आएगा इट विल बी इक्वल टू व्हाट इट विल बी इक्वल टू कैपिटल mg प्लस का M2g और प्लस का आ जाएगा आपका T ठीक है यहां से नॉर्मल आ गया अब फाइनली अगर मैं बात करता इस एम वन के लिए एम वन में अगर आप ध्यान दो तो ऊपर आपका एक लग रहा है टेंशन टी ठीक है अब अगर इस पे अगर मैं बैठ कर बात करूं इस वाले पे अगर मैं बात कर, बैठ कर बात करूं तो इस इसपे चूंकि इस पे एक ए फोर्स लग रहा है तो इस पर पीछे की ओर स्टूडियो फोर्स भी लगेगा और उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा तो इसका मास एम वन और इस पूरे क्योंकि साथ में चल रहा है ना तो इसका एक्सेलरेशनगा ए क्योंकि ये ए से आगे जा रहा है तो इससे पीछे की ओर फोर्स लगेगा सोलो तो फोर्स होगा जो कि एम वन ए होगा ठीक है नीचे की ओर आपका फोर्स लग रहा है आपका एम वन जी लग रहा है ठीक है और इनफैक्ट अगर इस पे देखो तो एक देख, नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है एन वन इधर तो आपका ये एन वन एक्ट हो रहा है ओके अब अगर आप यहाँ पे बात करो तो सिंस ये नीचे आ रहा है तो आपका एम वन जी माइनस का टी ठीक है ये आपका बराबर हो जाएगा एम वन इंटू ए वन के जो कि जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोल रखा है ठीक है इनफैक्ट अगर आप एन वन देख निकालोगे तो एन वन किसके बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा एम वन इंटू ए के बराबर हो जाएगा ठीक है इनफैक्ट इस वाले को फर्स्ट वाले को आप इसको क्या दें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको क्या क्वेश्चन सेकेंड इसको क्या देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड इसको क्या क्वेश्चन लास्ट रहा आपका ये अब अगर मैं इस इस बात करूं तो पे ऊपर की ओर क्या लग रहा है ऊपर की ओर आपका नॉर्मल लग रहा है ठीक है एम टू लग रहा है नीचे की ओर क्या लग रहा है नीचे की ओर आपका लग रहा है नीचे की ओर आपका एम टू जी लगा ठीक है इनफैक्ट इस पर भी पीछे की ओर शोडो लगेगा इसका वैल्यू क्या होगा तो इसका वैल्यू होगा आपका एम टू इन आगे की ओर क्या लग रहा है अब अगर आप यहाँ से इसको पकड़ोगे तो इसको बोल दोगे सिंपली यहाँ पे है टी और यहाँ पे क्या है आपका ये एम टू ए है ठीक है तो आप बोलोगे टी पीछे फोर्स आपका एम टू ए और इट शुड बी इक्वल टू एम टू इन का ए वन ठीक है और जो एन हमने जो ऑलरेडी पहले से निकाल कर रखा है क्या आपका एम टू जी के बराबर है ठीक है इसको बोल दो फिफ्थ इसको बोल दो अब सिक्स्थ गॉट इट अब वो करना क्या है कि अब आप इक्वेशन हम आप इस इक्वेशन पकड़ो इसको थर्ड को पकड़ो थर्ड को पकड़ो एंड एक पकड़ो आप फिफ्थ को थर्ड एंड फिफ्थ को पकड़ो थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन को पकड़ो ठीक है तो जब थर्ड और फिफ्थ को पकड़ोगे तो इन दोनों को पकड़ के आप सिंप्लीफाई करो ठीक है सिंप्लीफाई करो मतलब जस्ट आप एडअप करोगे जब एडअप करोगे कर कर तो आपका आ जाएगा एम वन जी एड कर रहा हूँ ना थर्ड एंड फिफ्थ को एड कर रहा हूं तो एम वन जी माइनस का एम टू ए और ये बराबर जाएगा एम वन ए वन और साथ में आ जाएगा आपका एम टू ए वन ठीक है से सिंपली ए का वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि आपको ए एक्सलेसन पूछ रखा है ना एक्सलेन आप यहाँ से निकाल सकते हो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सिंपलीफाइंग जो ए का वैल्यू आएगा एम वन बाई एम टू एन टू का जी माइनस का वन प्लस एम वन बाय टू एन टू का ए वन क्योंकि इसमें आपका बस एक ही ये, ये वाला चीज अननोन है बाकी सारे टर्म्स आपके नोन है ठीक है तो फर्स्ट पार्ट तो आपका आ गया जो कि एक्सलेशन का वैल्यू आ गया ठीक है तो अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पकड़ो इस फर्स्ट को पकड़ो इस फोर्थ को पकड़ो और इस फिफ्थ को पकड़ो मतलब कि प्लस करो फोर प्लस करो ओके? Okay. जब इनको आप एडअप करोगे okay, तो ये देखो ये टी और ये टी तो कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो इधर एल में क्या बचेगा ये बचेगा एफ माइनस का एन वन ठीक है एफ माइनस का एन वन और यहां से अगर आप देखो तो हमने फर्स्ट को और फोर्थ को भी ऐड किया ना तो ये जगह माइनस का एन वन और जगह प्लस का एन वन ये वाला प्लस का एन वन और यहां से टी तो कैंसल हो चुका है और यहाँ माइनस का एम टू इन टू का ए और आर एच एस में क्या बचेगा तो आर एच एस बचेगा कैपिटल ए में और यहाँ बचेगा एम वन का ए और यहाँ बचेगा एम टू टू का ए वन ठीक है अब यहाँ देखो तो n1 सेवन कैंसिल हो गया अब आपको जस्ट क्या पता करना है f पता करना है तो f यहाँ से क्या जाएगा f आपका आ जाएगा m a plus m1 a plus m2 a1 plus m2 into का a अब आप ध्यान से देखो तो एक का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है तो इसको तो साइड में रखो m2 a1 को साइड में रखो बाकी एक को कॉमन करो और साथ में बोल दो कैपिटल m प्लस का एम वन और प्लस का एम टू आप इस ए का वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट करना पड़ेगा ठीक है जैसे ही आप इसको पुट करोगे तो यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट अबाउट अबाउट ठीक है जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हम फाइनल रिजल्ट लिखते रह एम वन जी प्लस कैपिटल एम प्लस का एम वन एम टू का एम वन डिवाइडेड बाई एम टू एम टू का जी माइनस का ए वन माइनस का एम प्लस टू एम वन और जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन uh, में समझा रिगार्डिंग uh, हम लोगों ने एफ बी डी बनाया इन सारे ब्लॉक्स का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था ओके थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर